जय श्री कृष्णा बच्चा। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? मैं भगवान श्री कृष्ण से यही दुआ करता हूं कि आप लोग अच्छे रहें और आगे की तरफ बढ़ें। सब आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आ गया हूं, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ध्यान से सुनेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपके एक पूरे अकाउंटिंग के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक आप जितने सारे काम कर रहे थे, जर्नल एंट्री कर रहे थे, वो सही एंट्री कर रहे थे। जर्नल सीखे, लेजर सीखे, ट्रायल बैलेंस सीखे, फिर इसके बाद आप आ गए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर। अब सवाल ये है कि सर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है वो गलती एक्चुअली है कहाँ? कहाँ जो है गलती हम लोग कर बैठते हैं, जो बच्चे को प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट इस चैप्टर में होता है। सर, इस चैप्टर को आप इतने इजी कर दीजिए कि बच्चे के लिए एकदम सिंपल लगे कि हाँ, ये चैप्टर में बहुत बड़ा नहीं है, मस्ती करके पढ़ते हैं और इन्जॉय भी करते हैं हम लोग। सर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जितने सारे गलत एंट्री है उस एंट्री को रेक्टिफाई करना है। मतलब पहले हम लोग सही एंट्री कर रहे थे, अभी गलत एंट्री को रेक्टिफाई करना है। मेरे बच्चे ध्यान से सुने, सर रेक्टिफाई करने का तरीका क्या है, गलती कहाँ पर होगा, एरर्स कैसे डिटेक्ट किया जाएगा और कौन कौन से जगह एरर्स होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखा हूँ। स्क्रीन पर सारी चीज़ें हैं, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता चला जाता हूँ, आप समझिएगा बात को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में गलत एंट्री को ही रेक्टिफाई किया जाता है, लेकिन किसी भी गलत एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए एक एंट्री को ही रखना पड़ता है, वो एंट्री से ही वहां से हम कट कर सकते हैं। अब आइए, पहले क्या है? सर सबसे पहले तो मेरा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है बेटा, ये सबसे पहले मेरा प्राइमरी स्टेज है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। गलती कहाँ हो सकता है? सर जर्नल में गलती हो सकता है। जर्नल में भी हमारे बहुत सारे सब डिवीजन है जिसको हम ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, या हमारा परचेज बुक में गलती हो सकता है, या सेल्स बुक में गलती हो सकता है, या परचेज रिटर्न में, यहाँ हम एरर्स को यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा स्टेज है, परचेज सेल्स रिटर्न बुक से हो सकता है, या बिल्स रिसीवेबल से, या बिल्स पेबल बुक से, या कैश बुक में, या जर्नल प्रॉपर में। अब सवाल ये है कि हम कैसे समझेंगे कि जर्नल में गलती है? तो बेटा पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, टॉपिक आएगा, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। अगर जहाँ पर लिखा हुआ रहे रिकॉर्डेड, क्या लिखा हुआ रहे रिकॉर्डेड, इसका क्या मीनिंग है? रिकॉर्डेड का मीनिंग है कि सर कहीं ना कहीं हम जर्नल की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं बेटा? जर्नल की बात कर रहे हैं। अगर लिखा हुआ रहे इंटर्ड, तब किसका बात कर रहे हैं सर? इसका मीनिंग है बेटा, हम इंटर मुन्ना बात कर रहे हैं जर्नल का। अगर लिखा हुआ रहे पासेड, तब क्या बात कर रहे हैं? इसका मीनिंग है कि सर हम जर्नल की बात कर रहे हैं। तो बच्चे को पहले ये समझ में आ जाना चाहिए कि जहाँ पर लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडियरी बुक, मतलब सर ये बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब ओरिजिनल बुक्स में आप एंट्री नहीं किए। अगर इंटर है तो उसका भी मीनिंग वही है कि आपने जर्नल में या प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए। चलिए एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, वो अभी पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल या कैश बुक या जर्नल प्रॉपर, ये सारे चीज में कहीं ना कहीं आप रिकॉर्डेड या इंटर या पासेड आएगा तो आप समझिएगा कि हम जर्नल की बात कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि जर्नल के बाद जिसका सवाल है उसको हम लोग लेजर बोलते हैं, और लेजर को आप लोग अकाउंट्स बोलते हो, यस या नो? अगर कहीं पर लिखा हुआ रहे क्वेश्चन में डेबिटेड, तो इसका मीनिंग है कि सर आप अकाउंट की बात कर रहे हैं, लेजर की बात कर रहे हैं। अगर लिखा हुआ है क्रेडिटेड, तो आप किसका बात कर रहे हैं? लेजर का बात कर रहे हैं। अगर लिखा हुआ रहे पोस्टेड, तो लेजर की बात कर रहे हैं। इसका मीनिंग है कि सर क्वेश्चन अब बच्चे को समझ में आएगा कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हमने एक्स को समान उधार में बेचा और एक्स को डेबिट नहीं किया, इसका मतलब है कि वन साइड एरर, आप लेजर की बात कर रहे हो, अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। मैंने सर
क्रेडिट में सेल किया लेकिन मैंने सेल को क्रेडिट करना भूल गया। मतलब मेरा कहना है कि हम वन साइड एरर्स की बात कर रहे हैं, लेजर का इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी का चीज़ है। अगर इतना इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है, जितना मैं इसको कम अगर मैं आपको बोलूँ उससे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मीनिंग है कि जर्नल में अगर लिखा हुआ रहे, फिर से सुनिएगा, क्या लिखा हुआ रहे, रिकॉर्डेड, क्या लिखा हुआ रहे, रिकॉर्डेड, तो क्या समझेंगे बोलिए जल्दी से। तो रिकॉर्डेड रहेगा तो हम समझेंगे कि जर्नल में कहीं ना कहीं बात हो रहा है। अगर कहीं इंटर लिखा हुआ रहे तो क्या समझेंगे, जर्नल। अगर पासेड लिखा हुआ रहेगा तो क्या समझेंगे, जर्नल। अगर डेबिटेड लिखा हुआ रहेगा तो क्या समझेंगे, लेजर। अगर क्रेडिटेड लिखा हुआ रहे तो क्या समझेंगे, लेजर। अगर पोस्टेड लिखा हुआ रहे तो क्या समझेंगे, लेजर। सवाल ये तो समझ में आया कि कहीं ना कहीं सर हमारा जर्नल में या प्राइमरी बुक्स में गलती होगा या सब्सिडियरी बुक्स में गलती होगा या लेजर में गलती होगा। अगर सब्सिडियरी बुक्स में गलती हो गया तो डबल डबल एंट्री मतलब डबल साइड गलती हो गया। अगर सर लेजर में गलती हो रहा है तो कहीं ना कहीं डेबिटेड और क्रेडिटेड की बात कर रहे हैं। अब आइए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने रखा हूँ, कोई तो है सुनेगा तो, बिल्कुल सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा, सुनिए, सुनने का ही तो चीज है। सर अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे परचेज बुक, इसका मीनिंग है कि आपने सब्सिडियरी बुक की बात कर रहे हैं, रिकॉर्डेड या एंटर या पासेड जो हम अभी बात किए हैं। सर परचेज बुक और परचेज अकाउंट, सबसे पहले मैं बता दूं दोनों सेम नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। परचेज अकाउंट कहने का मीन्स है कि सर हमने एक स्पेसिफिक साइड की बात कर रहे हैं। मतलब परचेज अकाउंट में गलती होने का मीनिंग कि कहीं ना कहीं डेबिट में आप गलती किए हैं। अगर कोई बोले कि परचेज बुक में गलती हुआ है, इसका मतलब है कि हम सब्सिडियरी बुक या रिकॉर्डेड या इंटर या पासेड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सब्सिडियरी बुक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बच्चे परचेज बुक और परचेज अकाउंट दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। परचेज बुक अलग है और परचेज अकाउंट अलग है। अब आता है सर सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट, ये भी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेल्स बुक में गलती हो गया मतलब क्या है कि होल मिस्टेक, आपने सारा चीज़ गलती कर दिए। सेल्स अकाउंट में गलती हुआ तो एक पार्टिकुलर अकाउंट में गलती हुआ, मतलब आपने क्रेडिट करना या हो सकता है या भूल गए। देखिए मैंने नॉट इक्वल टू लिखा है कि सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट कभी भी इक्वल नहीं होगा। अब सवाल आते हैं कि सर परचेज रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न अकाउंट, सर ये दोनों हैं। तो परचेज रिटर्न बुक का ध्यान से सुनिएगा, सर परचेज अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट होता है, सेल्स बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, बिल्स पेबल बुक या बिल्स पेबल अकाउंट दोनों सेम नहीं है, एक है सब्सिडियरी और दूसरा है अकाउंट, तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक है सर, कैश कॉलम मतलब कैश अकाउंट, तो कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट। बैंक कॉलम कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट। डिस्काउंट कॉलम सर डिस्काउंट अलाउड कौन सा बैलेंस हो गया बेटा, डेबिट। और डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा बैलेंस हो गया, क्रेडिट। अगर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बनाना है तो ये सारी चीज़ें को प्रॉपर समझकर तभी चैप्टर आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि परचेज बुक में गलती है कि परचेज अकाउंट में गलती है, वो बच्चा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कभी भी नहीं सीखेगा। जिसको पता नहीं है कि सर परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या है, सेल्स का क्या बैलेंस है, परचेज रिटर्न का क्या बैलेंस है, वो बच्चा कभी भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपने एक पैमाने पर तय नहीं करेगा कि मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले हम एरर्स को पता लगाएंगे कि बेटा एरर्स है कहाँ कहाँ। तो जितने सारे चीज हम लिखे हैं ये सारे जगह पर कहीं ना कहीं एरर्स को डिडक्ट होगा और यहाँ से हमारा एरर्स को पता लगा सकते हैं। अगर किसी ने क्वेश्चन में कहा कि बोलो डेबिटेड, इसका मतलब है कि सर आप लेजर अकाउंट की बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है बेटा। अगर क्रेडिटेड, इसका मीनिंग है लेजर अकाउंट की बात कर रहे हैं।
अगर लिखा हुआ है पोस्टेड तो किसका बात कर रहे हैं आप, लेजर अकाउंट की बात कर रहे हैं। अगर हम ये बोल रहे हैं सर नॉट रिकॉर्डेड, इसका मतलब है आप सब्सिडियरी बुक की बात कर रहे हैं, जर्नल की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है इंटर, आप इसका किसका बात कर रहे हैं, जर्नल की बात कर रहे हैं। लिखा हुआ है पासेड, इसका मतलब है जर्नल। आप सारे बैलेंस को प्रॉपर याद करके रखिए कि अगर परचेस, सबसे पहले तो मैं बता दूं ये सब्सिडियरी बुक है जो यहां पर रिकॉर्डेड और इंटर या पासेड लिखा हुआ है। अकाउंट कहने का मतलब डेबिट क्रेडिट और पोस्टेड है और बैलेंस ये आपके सामने है। ये सारे चीज में कहीं ना कहीं गलती होगा, अगर यहां गलती हो गया तो होल मिस्टेक है, यहां गलती हो गया तो एक पार्टिकुलर चीज में गलती हुआ है, यहां पर वन साइड गलती होगा, यहां पर डबल साइड गलती होगा। थैंक यू वेरी मच।